हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में आज क्या खास है, क्या सिखाऊंगा? देखिए, सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री के लिए बार बार कमेंट आ रहा था कि सर सेल्स की एंट्री हमें बता दीजिए, सेल्स की एंट्री कैसे की जाए, सेल्स की एंट्री कैसे पास होती है। तो आज सेल्स की एंट्री के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कैटेगरी कैसे डिसाइड करी जाए, किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको कैटेगरी बनाने का क्या तरीका, क्या वे हो सकता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। सबसे पहले हम अपनी स्टॉक समरी देख लेते हैं। यहाँ से एस प्रेस करता हूँ और हमारे पास शुगर है, हमारे पास शुगर का स्टॉक मौजूद है जिसे हमने आउटवर्ड नहीं किया है। देख सकते हैं यहाँ पर 60 किलो चीनी रिटर्न करी गई है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टॉक आपके पास मौजूद है। तो जो स्टॉक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो 567 किलो है। तो अभी हमारे पास परचेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हमें सेल करना है। तो आप सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, वी प्रेस करके वाउचर में आएंगे और F8 प्रेस करके सेल वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर किसी एक डेटर पार्टी को ये सामान बेच देंगे, ठीक है। आप कैश में बेचते हैं तो सीधा कैश का लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप बेचते हैं उधार में तो आप यूज कर सकते हैं डेटर पार्टी के लेजर का। तो अल्ट सी करके एक डेटर पार्टी का लेजर बनाइए। जैसे मान लीजिए उस पार्टी का नाम है गौरव, तो ये गौरव एक नाम दे दिया हमने, ठीक है। आप मल्टीपल लेजर्स का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर करना क्या है, सन्ड्री डेटर का ग्रुप होता है उसके अंदर इसे डाल देना है। तो ये सन्ड्री डेटर कर दिया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। देख लीजिए जो डेटर पार्टी है वो सेम स्टेट की है या डिफरेंट स्टेट की, तो ये भी देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंट स्टेट का आदमी होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा सेम स्टेट है तो इसी को रखेंगे और यहाँ पे एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह भर लेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ सेल्स अकाउंट आ जाएगा जैसा कि आप जानते ही हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, स्टॉक आइटम क्या मौजूद है हमारे पास, एक ही स्टॉक आइटम है शुगर, ठीक है। शक्ति भोग आटा है, शुगर है, तो देखिए शक्ति भोग आटा का कोई भी स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद नहीं है। पल्स का भी कोई स्टॉक आइटम मौजूद नहीं है, शुगर का है 567 किलो जैसे मैंने बताया था। तो आप चाहे तो 500 किलो या 567 किलो पूरा बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 500 केजी मैं बेच रहा हूँ और कीमत क्या रखूंगा, 45, ठीक है, बिक्री रेट 45 रखूंगा। और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का जिक्र है तो सीजीएसटी कर लेते हैं, एसजीएसटी कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेम स्टेट है ना, तो सीजीएसटी लगा दिया, एसजीएसटी लगा दिया। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आएगा। कब आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, जबकि हम पेमेंट रिसीव करेंगे तब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड, ये लिख दिया हमने, नरेशन में डाल दिया, ठीक है, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। अब हमारी एंट्री पास हो चुकी है, यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं और यहाँ के प्रेस करके इस एंट्री को देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल हमें सेल्स में जाना है और ये सेल्स वाली एंट्री चेक कर लेनी है, यही हमारी एंट्री थी। ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट आउट भी दिखा देता हूं, ये देखिए ये प्रिंट आउट है आपका, ठीक है। तो ये देखिए एकदम आसान है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। सेल्स वाली एंट्री समझ में आ रही है बात, कैटेगरी बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो प्रोडक्ट बना लेते हैं। हम यहाँ से भी बना सकते हैं, जाके क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप है और स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी हमें बनानी थी, ठीक है ना। तो पहले तो हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम, ठीक है। उसकी कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे कैटेगरी में गए, अब कैटेगरी क्या है इसकी, तो कैटेगरी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया हमने लाइक, सपोज कीजिए कैटेगरीज का मतलब ये हो गया कि देखिए किसी भी प्रोडक्ट को जो क्लासिफाई किया गया है वो कंज्यूमर के बेसिस पे, कंज्यूमर के हैबिट्स के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया इसको। जैसे प्राइस है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कन्वीनियंस गुड्स क्या है, तो ये सारी चीज जो है ना इसकी कैटेगरी में शामिल। जैसे कन्वीनियंस गुड है, शॉपिंग गुड्स है, तो यहाँ पे फिलहाल हम कर देते हैं शॉपिंग गुड्स, ठीक है। क्या करेंगे, शॉपिंग गुड्स GOODS, तो ये हो गया शॉपिंग गुड्स, एंटर किया एंटर किया, यहाँ पे इसे प्राइमरी में ही रखते हैं और एंटर कर देते हैं। तो एक हमारे पास कैटेगरी बन गई है, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी बनाते हैं और भी आप चाहे तो बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जो भी हम स्टॉक आइटम बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए क्रिएट पे गए, अब स्टॉक आइटम बनाने की बारी है, तो ये एक कैटेगरी बना ली हमने, अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम आएंगे, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए एक हमने स्टॉक आइटम बनाया, जैसे मान लीजिए लिखा लाइक मार्कर, मार्कर, ठीक है, तो ये भी तो शॉपिंग गुड्स है। तो यहाँ पे आए, अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी आपको नजर नहीं आएगी, तो आपको इसको एक्टिवेट करना होगा। कैसे एक्टिवेट होगा, तो आपको यहाँ से F12 बटन प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा ये देखिए यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, ये दिया हुआ है ना, तो
इसको आप यस कर लीजिएगा, यहाँ पे यस करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा, तो ये जो है अब एक्टिवेट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्टिवेट हो गया। अब ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो शॉपिंग गुड्स हमने बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्कर जो है किलो में बिकेगा, अब यहाँ पे मार्कर की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, तो इसको जरा सा सही कर लेते हैं यहीं से। मार्कर है ना, तो ये हो गया मार्कर। अब यहाँ पे आए शॉपिंग गुड्स है ये, और यहाँ पे किलो में तो बिकेगा नहीं, ये तो बिकेगा नंबर्स में, तो यहाँ एनवेस कर दीजिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा नंबर्स, ठीक है। और नंबर्स लिखने के बाद एंटर कर दीजिएगा, एन ओ एस यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए एन ओ एस आएगा नंबर्स, ये आ गया, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं या नहीं ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट फिलहाल हमारा सेट करने का कोई इरादा नहीं है, स्टैंडर्ड रेट कई बार हम देख भी चुके हैं, तो स्टैंडर्ड रेट हम नहीं सेट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। यहाँ पे अलग से जीएसटी देना है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है ना। जीएसटी रेट अलग से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे लगा देता हूँ मैं लाइक 5% की जीएसटी लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये हो गया। अब एक और स्टॉक आइटम हमारे पास बन गया, लेकिन इसको हमें परचेज करना होगा, ठीक है, तब हम सेल कर पाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टली सेल करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए यही डेटर पार्टी है, इसी को बेचना है, डेट आप चेंज कर सकते हैं एफ2 करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 1/7/2022, ठीक है ना, यहाँ पे डेट चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे गौरव डी, यहाँ पे लेजर लगा दिया इनका, ठीक है। और एंटर करते हुए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सेल्स का लेजर लगा दिया। अब यहाँ पे आएंगे तो अब देखिए यहाँ पर गुड्स तो आपको दिखाई देगा, बहुत सारे गुड्स दिखाई देंगे, लेकिन संख्या क्या है, संख्या जीरो है, ठीक है। तो यहाँ मार्कर कर दिया। अब लेकिन हमारे पास तो स्टॉक आइटम है नहीं, हमने परचेज वाले लिस्ट में इसे डाला नहीं है, हमने अपने पास स्टॉक की कोई लिस्ट नहीं बनाई है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, यानी माइनस में जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होती है।